अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद आप ठीक होंगे। वेलकम टू साइमाज किचन। आज हम बना रहे हैं बच्चों के लिए स्पेशल चिकन नगेट्स स्टिक्स बार बना रहे हैं। चलें देखते हैं किन अज़ा की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास आधा किलो बोनलेस चिकन है, 3 से 4 कटी हरी मिर्चें, ये आधा कप हरा धनिया, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, और ये 2 ब्रेड के पीस हैं जो हम पानी में सोख करके चिकन में डालेंगे। सबसे पहले हम चॉपर मशीन में इनको पीसेंगे। ये अब चॉपर मशीन में मैं डालूंगी ये चिकन, हरा धनिया, सोया सॉस, हरी मिर्चें, ये सारे मसाले, अदरक लहसुन, और ये ब्रेड के पीस जो है पानी में सोख करके इसको अच्छी तरह निचोड़ लूंगी। ये इसमें जाएंगे 2 पीस। अब इसको मैं अच्छी तरह चॉपर में पीस लूँगी। ये कीमे का सारा मिक्सचर मैंने चॉपर में अच्छी तरह पीस लिया था। ये हमारे अब ये बिल्कुल तैयार है, और मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं, 1 अंडा है, फेंट लिया अच्छी तरह, मैंने प्लेट में रखा है ताकि हमको अंडा लगाने में आसानी हो। तो ये मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स हैं और ऑयल है जो मैं हाथों पर लगा के इस स्टिक पर ये बार तैयार करूँगी। चले सबसे पहले मैं ये लूँगी कीमा, और इसको हम शेप देंगे। आप चाहे तो बड़े बना लें, आप चाहे छोटे, वो आपकी मर्जी है। आप बच्चों को बर्थडे पे बना के दें, उन्हें बहुत पसंद आएंगे ये। ये देखें इस तरह हम ये इस तरह स्टिक इसमें डालूंगी, और इसको ऊपर से हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे। ये हमारा तैयार है। अब इसको मैं डालूंगी अंडे में, और फिर बाद में इसको डालूंगी ब्रेड क्रम्स में, और अच्छी तरह ये ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर लगा के अच्छी तरह से, ये देखें ये स्टिक हमारी तैयार है। अब इसको मैं प्लेट में निकाल लूंगी, और इसी तरह मैं ये दूसरा भी तैयार करूंगी। ये स्टिक पकड़े, इसको इसमें लगा के ये ऊपर से फिर सेट कर देंगे। ये भी हमारा तैयार हो गया। अब अंडा लगाएंगे, अब इसको ब्रेड क्रम्स, इसी तरह मैं ये सारे तैयार कर लेती हूँ। ये सारे मैंने स्टिक्स पे लगा दिए हैं ब्रेड क्रम्ब और अंडा लगा के, और अब हम फ्राई करेंगे। फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए बिल्कुल रख दिया है, इसको हम स्टफ फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, हमने ज़्यादा इसको हीट पे गरम नहीं करना क्योंकि चिकन है, इसने अभी पकना भी है। ये हम अब इसमें डालेंगे, लो फ्लेम इसकी कर दूँगी मैं, लो टू मीडियम, और इसी तरह मैं इसको डालती जाऊँगी। अब इसको मैं तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको लो फ्लेम पे पकने दूंगी ताकि चिकन अच्छी तरह अंदर से गल जाए। ये 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसी तरह इसको पका रही थी। अब इसकी मैं करूंगी साइड चेंज, इसी तरह मैं ये सारे स्टिक्स की साइड चेंज करूंगी। आपने इसको पकाने में जल्दी नहीं करनी, ये चिकन है, अच्छी तरह अंदर से कुक होना चाहिए।
अब इसी तरह 3 से 4 मिनट मैं लो फ्लेम पे दूसरी साइड से पका लूंगी। ये 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से भी हो गए, हमने इसको लो फ्लेम पे रखा हुआ था, अब थोड़ी सी मैंने इसकी हाई फ्लेम की गया है। अब मैं इसको निकाल के डिश आउट करूंगी। चिकन नगेट्स स्टिक्स बार बिल्कुल तैयार है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर प्रेस किया करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अगली रेसिपी के साथ मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।